थोड़ा वक्त था तब मैं भोजपुरी चैनल पे ऐसे जज चला गया था, नाच नचे या धूम मचे या वहाँ पे ये लोग वहाँ करते चलते और ये दोनों पार्टनर थे वहाँ पे, हम लोग बहुत कमाल डांस करते थे और वो शो मिला था। उसके बाद फिर मैंने कहीं अपनी वापस जिंदगी ठीक कर ली, लोगों को पता नहीं था वहाँ। उसके बाद मैंने चकनी चमड़ी बड़े बड़े काम किए, तो एक उस वक्त एक छोटा सा गिफ्ट इन लोगों ने दिया था मेरे, उसके सामने तो कोई गिफ्ट ही नहीं। और मैं ये कहूँगा कि गाना बहुत चलेगा, मेरा जितना हो सके सहयोग इस गाने को है, संगीता को, रहमान को है और इनकी पूरी फैमिली है, ये अपने मेहनत से आगे आते हैं। अंजना ने ये बताया कि इनके पिताजी भी पुराने जमाने में DOP थे, बहुत सारी फिल्में की जिस वक्त मैं ग्रुप में था जी, इनके तिवारी जी, तो ये गुरु का गाना बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत बहुत की हुई गाने के पीछे। संगीता के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत कम एक्ट्रेस में ऐसे होते जो एक्सप्रेशन अच्छा करते हैं, तो कमाल डांसर है कमाल। और क्या कहूँगा, पहले सभी को नमस्कार प्रणाम और वेरी गुड इवनिंग। मैं संगीता तिवारी और यह है अमन कुमार और हम लोग आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल ST सीरीज़, जिसमें हम लोग हमेशा, आप लोगों को पता ही है कि तरह तरह के नए नए एल्बम्स, म्यूज़िक एल्बम्स, क्यों, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक को बहुत प्यार करते हैं और डांस को भी बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें है, तो नए नए तरीके के म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह सब आपके सामने लाते ही रहते हैं। तो इस बार हमने कुछ अलग किया, कुछ नहीं बहुत अलग किया हुआ है, जो हमेशा से हम दोनों का सपना था कि हम लोग एक शो कर रहे थे नाच नचैया धूम मचैया, उसमें गणेश मास्टर जी हमारे जज थे, तो हमेशा से हम लोगों का सपना था कि उनकी कोरियोग्राफी में हम कुछ करें, कोई अच्छा डांस करें। और आपको पता ही होगा कि आज की तारीख में नंबर 1 पे गणेश आचार्य जी, वर्ल्ड नंबर 1 है। हाँ, तो मास्टर जी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि 15 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ, हर साल मेरी यही कोशिश रहती है। तो अपने आप को अच्छा गिफ्ट देने के लिए मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना इश्क अमीरन जो सॉन्ग है इसको आप सुनेंगे, अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दिल के बहुत करीब है, इसके एक एक लाइन, इसके एक एक वर्डिंग्स मुझे बहुत पसंद है। हम लोग नेपाल गए थे शूट करने के लिए, ये गाना भी था हमारे पास, पर हमने शूट नहीं किया, हमने 3-4 गाने, मतलब टोटल 7 गाने वहाँ पे किए टोटल, पर ये गाने हमने रख लिए मुझे, क्योंकि ये इतना प्यारा सॉन्ग है ना, एक एक वर्ड्स इसकी जो लिखी गई है बहुत, मतलब आराम से इत्मीनान से लिखा गया है, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि नहीं इसको, मतलब हम ट्राई करते पहले मास्टर जी से कराने के लिए, कोशिश करते हैं कि हमारे मास्टर जी गणेश आचार्य इस सॉन्ग को करें। फिर हम गए वहाँ पे, हम लोग वहाँ से नेपाल से आ गए, आने के बाद फिर बात किया हमने मास्टर जी से, फिर मास्टर जी सुने, उसके बाद मास्टर जी को भी ये गाना बहुत पसंद आया, क्योंकि ये गाना मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मैंने उनको कहा कि मास्टर जी ये गाना आप ही को करना है और आप ये समझ लीजिए आप मुझे बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। तो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा इन सब चीज़ों से, वो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आप लोग इतना मेहनत करते हो तो आप लोगों को इसका फल मिलना चाहिए और मैं तैयार हूँ आपका गाना करने के लिए। जी हाँ, ये टाइटल कैसे आया, ये तो हमारे जो गीतकार है और म्यूज़िक डायरेक्टर है लक्ष्मी नारायण जी, ये उनका सोच, उनकी, उनका ये जो थॉट था वो उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कैनवास नज़र आता है, लाइक संजय लीला भंसाली प्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक्ट्रेस को, तो मुझे वो विजुअल नज़र आया, तो मुझे लगा कि ये गाना मेरे लिए परफेक्ट है, बिकॉज़ मैं क्लासिकल कथक डांसर भी हूँ, तो मुझे इसके सारे जो म्यूज़िक के कि छोटे छोटे वर्ड्स थे बहुत अट्रैक्ट किए, तो इसीलिए आज हम लोग ये गाना को लेकर आज आप लोगों के सामने आए। जी सर, सर वो फीलिंग मैं फीलिंग वो बयां ही नहीं कर सकता कि, मतलब मैं डांस कर रहा था उनके पास में और आज वो मेरे लिए इतना बड़ा सॉन्ग हमारे लिए किए हैं, मैं वो उनका, मतलब ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं गणेश आचार्य मास्टर जी के कि जो उन्होंने हमारा ये सॉन्ग किया। तो
तो अच्छी लग रही है एक्चुअली। जब हमने शो किया था तो हमारी केमिस्ट्री वहाँ पे तीनों जजेस जैसे कि सुधा चंद्रन जी, एक कानू मुखर्जी एंड गणेश आचार्य जी, ये लोग हमेशा बोलते थे कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हर मतलब हर परफॉर्मेंस में हमको ये कमेंट्स मिलता था। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने कोशिश की अपना कुछ करने की, तो हम लोगों ने एस्ट्रो सीरीज चैनल को लॉन्च किया और फिर ये केमिस्ट्री हर गाने में आपको नज़र आ रही है। और इसमें तो स्पेशली गणेश मास्टर जी का आशीर्वाद हमको नज़र आ रहा है कि उन्होंने स्पेशल गिफ्ट दिया है कि अमन कुमार जो उनके साथ काम कर रहे थे और आज उनके लिए उन्होंने कोरियोग्राफी की। मुझे याद है जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो जितने हमारे डांसर्स थे, लड़के लड़कियां थी, सब मतलब इतना खुश थे जैसे कि अमन की जगह अमन नहीं है, ये सब वही लोग हैं, उनके ही चेहरे हैं। उन लोगों को इतना अच्छा, इसको चेयर अप कर रहे थे, कम ऑन अमन यू कैन डू इट, कम ऑन ऐसे एक्सप्रेशन निकालो, ये करो वो करो। तो मतलब ये पूरा जो एक्सपीरियंस था इट्स वेरी अमेजिंग यू नो। सर आप देखिए, जब देखेंगे सर तब अच्छा लगेगा, उसके बाद आप खुद सोचिए कि टाइटल, मतलब टाइटल में ही अगर इसका मिलन है तो उसके अंदर क्या मिलेगा। हम अगर बता देंगे तो फिर नहीं नहीं हम थोड़ा सा बता भी देते हैं, बता देंगे। जैसे कि टाइटल है इश्क अमीरन हो गई, तो मतलब वो लड़की इश्क में उसको इतनी खुशी मिली कि दुनिया भर की धन दौलत और हीरे जवाहरात उसके आगे फीके पड़ गए, उसको इतना अच्छा इश्क मिला कि वो अमीरन हो गई। तो वो अपने एक्सप्रेस कर रही है इस वर्ड से कि तू निगह बाप बन के मेरा, सजदा तेरा मैं करूँ। मतलब आप सुनिए गाना, बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। हाँ, प्यार करने वालों के लिए तो मैसेज आज तक शुरू से लेके अभी तक सब देते ही आ रहे हैं। और जो रियल में सच्चा प्यार करता है तो उसको धन दौलत ऐशो आराम और आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, ये सब चीज़ नज़र नहीं आती है, वो कमियों के साथ स्वीकार करते हैं एक दूसरे को, ये असली प्यार है। सर सबसे पहला तो मास्टर जी के सामने तो मेरे हाथ पर ही ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि मास्टर जी के सामने करना मतलब नाटिने जोक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता फटक से, नहीं, बहुत करने के बाद, बहुत उनके भूलने के बाद फिर मास्टर जी ने बहुत बुस्टअप किया कि नहीं अमन यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। तो थोड़ा सा शुरू में हिचकिचाहट जो थी तो उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली प्यार से दूर किया और फिर बहुत अच्छा किया, फिर कराया उन्होंने मुझे, मैंने किया बहुत अच्छे से किया जी। मैंने कहा ना मैं हर साल बर्थडे में अपने आपको गिफ्ट देती हूँ, चाहे कोई दे ना दे पर मैं जरूर देती हूँ। 14 अगस्त को मिलता है ये गिफ्ट आप लोगों को। हाँ, तो ऐसी कोशिश हमेशा रहती है और हमेशा आगे भी रहेगी, बहुत खुशी मिलती है मुझे ऐसा करने को। एसटी सीरीज में जैसे कि आपने सुना है हर हमेशा नए नए गाने, नए नए फ्लेवर्स के गाने आते हैं। अगला हमारा जो आने वाला है वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, इससे बहुत ही हटके है, थोड़ा कॉमेडी नज़र आएगा आपको। हाँ, बट ये गाने के बाद भी कुछ रिलीज होने वाली है ना। अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो यहाँ पे नजर आएगा आपको, इसके बाद नजर आएगा। हाँ, जी यस, भारत का 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और उसमें मैं यही संदेश दूंगी अपने सभी भारतीय भाई बहनों को, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम भारतीय हैं और हमें सबसे पहले अपने इंसानियत होने, इंसान होने का परिचय देना है, उसके बाद सब चीज़ें आती है। तो इंसानियत को नंबर वन पर रखिए और उसके बाद आप अपना जज कीजिए। जी सर, बस मैडम ने ही सब बोल दिया। तो मेरे तरफ से यही है कि 15 अगस्त है तो सबको अपने अपने घर में एक एक झंडे तो कंपलसरी लहराने ही चाहिए और अपने परिवार के साथ भी लहराना चाहिए, सबके साथ मिल के लहराएं झंडे और पूरी दुनिया को ये दिखाए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी है।
सुनना है, मुझे सुनना है। मैडम के साथ, मतलब संगीता मैडम के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये हर चीज़ में कोऑपरेट करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, जहाँ मेरी गलतियाँ होती है वो मुझे बताती हैं, तो ऐसा शायद ही मुझे कोई बताए या समझाए, कोई ऐसा नहीं है जैसा ये समझाती मुझे किसी भी काम को लेकर, शूटिंग के लिए कहीं भी नहीं ये गलत हो सकता तुम ऐसे करो। और हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं, मतलब बताना ज़रूरी है। हाँ, बहुत झगड़े होते हैं जी जी। जैसे कि आप सभी हिंदुस्तान, मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है, जानते हैं इसको, कि गणेश आचार्य एक अपने आप में खुद ही पहचान है, उनको पहचान की जरूरत नहीं है, और हमेशा हर गाने से उन्होंने प्रूव किया हुआ है, हर साल हर बार उन्होंने एक अपना हिट ही हिट दिया है। और जब मैंने उनको मतलब डांसिंग हॉल में देखा, जो उनकी एनर्जी देखी, और जिस तरह से मतलब उनको एक सेकंड बैठना नहीं, हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, हर एक मतलब पुराने अलग, से पुराना अलग करना है, कुछ अलग करना, कुछ अलग करना है। आप पुराने से पुराना गाना भी लेते हैं और उसको एकदम नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, तो अभी हम उनके साथ में और भी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उनके अंदर पूरा खजाना भरा हुआ, डांस परफॉर्मेंस एक्टिंग ये वो सब पूरा खजाना भरा हुआ है। हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम कैसे लेवे उनको, कैसे उनका उनका थोड़ा सा भी फॉर्म अगर हमारे में आ जाए ना, तो हम सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।